आदाब, नमस्कार। आइडियल ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी आइडिया आपका हार्दिक स्वागत करता है। खुशामदीद, वेलकम। और आप सबको स्वतंत्र दिवस यौम आजादी की मुबारकबाद पेश करता है। हम आजादी के मतवालों का तो जिक्र करते हैं, अपने उन तमाम लीडरान का, उन तमाम नेताओं का जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, उनको हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हम अक्सर अपने लेखकों को, अपने कवियों को भूल जाते हैं। किसी भी मुल्क की आजादी के लिए जितना बड़ा योगदान नेताओं का होता है, लीडरों का होता है, जनता का होता है, उतना ही योगदान साहित्यकार का भी होता है। किसी ने कहा है कि अगर आपको तारीख जाननी है, इतिहास जानना है, तो इतिहासकारों के पास मत जाइए, बल्कि उस दौर का साहित्य पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, क्योंकि इतिहास में इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैनिपुलेशन किया होगा, लेकिन साहित्यकार वही लिखता है जो वो देखता है। साहित्यकार और कवि समाज का आईना पेश करते हैं। तो अगर हमें यह जानना है कि जंगे आजादी में हमारा क्या रोल रहा, हमने क्या काम किया, हमने कैसे अंग्रेजों को इस मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया, तो हमें यकीनन उस जमाने का साहित्य पढ़ना चाहिए। उस दौर के बहुत से साहित्यकारों में सबसे अहम नाम मुंशी प्रेमचंद। मुंशी जी के दिल में जो देश की आग थी, जो तड़प थी, जो बेचैनी थी, वो उनके साहित्य को पढ़कर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोज़े वतन की वो कहानियां जिसके कारण उन पर अंग्रेज नाराज हो गए, ये ऑर्डर पास कर दिया कि जब भी आप कुछ लिखेंगे उसे अंग्रेज डीएन से अप्रूव करवाएंगे। उन कहानियों में जो दर्द है, अपने मुल्क पर बर मिटने का, लड़ने का जो जज्बा है, उन्हें पढ़ने के बाद आज भी आपकी रूह बेचैन हो जाती है। आज भी आप तड़प उठते हैं उन कहानियों को पढ़ने के बाद। आइए वैसी ही एक हसीन, खूबसूरत, दिलों को तड़पा देने वाली, गर्मा देने वाली, रूहों को बेचैन कर देने वाली कहानी को लेकर हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। आइए देखते हैं, सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक अद्भुत कहानी, और कहानी का नाम है कातिल। आ गए बेटा, तुम इतनी रात
रात तक कहाँ रहते हो? रखे रखे खाना ठंडा हो जाता है, चारों तरफ सोता पड़ गया। आग भी तो इतनी नहीं रहती कि देर रात तक बैठी ताकती रहूं। ओहो, अभी तो 10 भी नहीं बजे अम्मा। यहाँ के मुर्दा दिल लोग सरे शाम से ही सो जाएं तो कोई क्या करे। अम्मा, यूरोप में लोग 12-1 बजे तक सैर सपाटा ही करते रहते हैं, और नहीं तो क्या। अरे जिंदगी के मजे उठाना कोई उनसे सीख ले। 1 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं अम्मा। तो 8-10 बजे सोकर उठते भी होंगे। अरे नहीं अम्मा, वो तो 6 बजे ही उठ बैठते हैं। हम लोग बहुत सोने के आदी हैं। 10 बजे से लेके 6 बजे तक 8 घंटे। अरे खुद ही सोचो अम्मा, जब आदमी 24 में से 8 घंटे सोएगा तो काम क्या करेगा। ये बिल्कुल गलत है कि आदमी को 8 घंटे सोना चाहिए। अरे अम्मा, मैं तो कहता हूं इंसान जितना कम सोए उतना ही अच्छा। हमारी सभा ने तो अपने अपने नियमों में दाखिल कर लिया है कि मेंबरों को 3 घंटे से ज्यादा ना सोना चाहिए। मत गिनाओ तुम्हारी सभा का कायदा कानून। ये ना खाओ वो ना खाओ, ये ना पहनो वो ना पहनो, ना ब्याह करो ना शादी करो, ना नौकरी करो ना चाकरी करो। ये सभा वाले क्या लोगों को सन्यासी बनाना चाहते हैं? इतना त्याग तो कोई सन्यासी ही कर सकता है। त्यागी सन्यासी भी तो नहीं मिलते, उनमें से भी ज्यादातर इंद्रियों के गुलाम, नाम के त्यागी। आज सोने पर भी कैद लगा दी। आज 3 महीने घूमना खत्म करके घर आए हो, जाने कहां कहां मारे फिरते होंगे, उस पर अब सोने की कैद। रात 12 बजे खाना खाइए, और चाहे तो रात का खाना ही उड़ा दीजिए। तभी तो ये सूरत निकल आई है कि चाहो तो 1-1 हड्डी गिन लो। ये सभा वाले कुछ काम भी करते हैं या आदमियों पर कैदे ही लगाते रहते हैं? जो काम तुम करती हो अम्मा, वही काम हम भी करते हैं। तुम्हारा उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करना है, हमारा उद्देश्य भी राष्ट्र की सेवा करना है। तो तुम्हारी सभा का कोई दफ्तर भी है? दफ्तर? हाँ है। उसमें कितने मेंबर हैं? अभी तो 50 मेंबर हैं अम्मा, लेकिन एक बात कहूं, हमारे 25 आदमी जो काम कर सकते हैं ना, वो तुम्हारे 25,000 मिलकर भी नहीं कर सकते। देखो अम्मा, किसी से कहना मत, नहीं तो सबसे पहले मेरी जान पे आफत आएगी। अम्मा ऐसा है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं कि पिकेटिंग और जुलूसों से हमें आजादी हासिल हो सकती है। अरे ये तो साफ साफ अपनी कमजोरी और बेबसी का ऐलान करना है। मैं कहता हूं अम्मा, यूं झंडियां हिलाकर और गीत गाकर कौमें आजाद नहीं हुआ करती। अब यहां के लोगों के पास अपनी अकल तो है नहीं। बस एक आदमी ने कह दिया कि यूं स्वराज हासिल हो सकता है, और सबके सब अंधों की तरह आंखें बंद किए उसके पीछे पीछे हो लिए। अरे मैं कहता हूं वो आदमी खुद गुमराह है औरों को भी गुमराह कर रहा है। आजादी को हासिल करने का ये तरीका मेरी तो समझ से बाहर है। अरे मैं कहता हूं लड़कों के रोने धोने और मचलने पर उन्हें खिलौने और मिठाइयां मिला करते हैं, बस वही इन लोगों को मिल जाएगा। असली चीज तो तभी मिलेगी अम्मा जब हम उसकी कीमत देने के लिए तैयार होंगे। तो उसकी कीमत क्या हम नहीं दे रहे हैं? हमारे आदमी जेल नहीं गए, हमने डंडे नहीं खाए, हमने अपनी जायदादें जब्त नहीं करवाई। हाँ तो इससे अंग्रेजों को क्या नुकसान हुआ अम्मा? देखो अम्मा, वो हिंदुस्तान उसी वक्त छोड़ेंगे जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाएगा कि अब वो यहां और एक पल भी नहीं रह सकते।
मैं तो कहता हूं अम्मा, आज अगर हिंदुस्तान के 1000 अंग्रेज कत्ल कर दिए जाए ना, तो आज ही हमें स्वराज हासिल हो जाएगा। रूस इसी तरह आजाद हुआ, आयरलैंड भी इसी तरह आजाद हुआ, और हिंदुस्तान भी इसी तरह आजाद होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं। हमें उनका खात्मा कर देना है। एक अंग्रेज अफसर को कत्ल कर देने से हुकूमत पे जितना डर छा जाता है ना अम्मा, उतना 1000 जुलूसों से भी मुमकिन नहीं। हे भगवान, मुझे विधवा हुए 10 साल हो गए, यही लड़का मेरे जीने का सहारा है, इसी को सीने से लगाए मैं मेहनत मजदूरी करके जिंदगी के दिन काट रही थी। सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि ये 4 पैसे कमाएगा, घर में बहू आएगी, मैं एक टुकड़ा खाऊंगी और कोने में पड़ी रहूंगी। आरज़ुओं के पतले पतले तिनके इकट्ठा करके कश्ती बनाई थी, उसी कश्ती में जिंदगी का दरिया पार करना चाहती थी। आज वो कश्ती हिचकोले खाते मालूम पड़ रही है। आज वो कश्ती डूबी जा रही है। अम्मा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा। और बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या अंग्रेजों का कत्ल करने से हमें आजादी मिल जाएगी? नहीं बेटा, हम अंग्रेजों के दुश्मन नहीं है, हम इस राज्य प्रणाली के दुश्मन हैं। अगर ये राज्य प्रणाली हमारे भाई बंधुओं के हाथ में होती, और उनमें से एक बड़ा हिस्सा है भी, तो हम उनका भी इसी तरह विरोध करेंगे। विदेश में तो कोई दूसरी कौम राज ना करती थी, फिर भी रूस वालों ने वहां की हुकूमत को उखाड़ फेंका, तो उसका कारण यही था कि जार प्रजा की परवाह ना करता था। इसका कोई डर नहीं है अम्मा, इस बारे में हमने खूब एहतियात कर लिया। गिरफ्तार होना तो बेवकूफी है, हम तो ऐसी हिम्मत से काम करना चाहते हैं कि कोई गिरफ्तार ही ना हो। ये तो उससे भी बुरा है, बेगुनाह सजा पाए और कातिल चैन से बैठे रहे, ये शर्मनाक है। मैं इसे कमीनापन समझती हूँ। किसी को छुपकर कत्ल कर देना दगाबाजी है, पर अपने गुनाह के लिए अपने बदले अपने बेगुनाह भाइयों को फंसाना देशद्रोह है। इन बेगुनाहों का खून भी कातिल की गर्दन पर होगा। अम्मा तुम इन बातों को नहीं समझती, तुम अपने धरने दिए जाओ और जुलूस निकाले जाओ, और जो कुछ हम करते हैं हमें करने दो। गुनाह और सवाब, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, ये सब निरर्थक शब्द हैं। जिस काम को तुम सापेक्ष समझती हो उसे मैं पुण्य समझता हूं। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं अम्मा, ये सापेक्ष शब्द हैं। तुमने भगवत गीता तो पढ़ी है ना अम्मा? भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा है, मारने वाला मैं हूं और जिलाने वाला भी मैं हूं। इंसान न किसी को मार सकता है न किसी को जिला सकता है, तो फिर कहां रहा पाप? और मुझे इस बात से क्यों शर्म हो कि मेरी जगह कोई और मुजरिम करार दिया गया? यह कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है अम्मा, इंग्लैंड की सामूहिक शक्ति के खिलाफ युद्ध है। तो फिर मैं मरूं या कोई और मारा जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आदमी
राष्ट्र की ज्यादा सेवा कर सकता है, उसे जीवित रहने का ज्यादा हक है। ऐसा तो नहीं कि ये किसी का कत्ल करके आया हो? नहीं नहीं, मेरा बेटा किसी का खून करे, इससे ज्यादा लज्जा, घृणा और अपमान की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? राष्ट्रवाद की उस कसौटी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ जो त्याग, सच्चाई, सदाचार और साफ दिली का वरदान है, पर मेरी आंखों में राष्ट्र का सेवक वो है जो नीच से नीच व्यक्ति पर भी दया दिखाता है और जरूरत पड़ने पर अपने आप को बलिदान कर दे। मैं इसे कैसे समझाऊं? मैं ये नौबत हरगिज नहीं आने दूंगी कि मेरा बेटा खून की जुर्म में पकड़ा जाए। मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं कि उसके जुर्म की सजा किसी और बेगुनाह को मिले। ऐसे क्यों कर समझाऊं? पता नहीं ये पागलपन इस लड़के में आया कहां से। नहीं, मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से हरगिज अलग ना होने दूंगी। हर क्षण उसके साथ रहूंगी, छाया की तरह उसके पीछे पीछे घूमूंगी। किसकी मजाल है जो मेरे बेटे को मेरी गोद से छीन के ले जाए? देखूं तो सोया या जागता है। भी नहीं बुझाया। हे ईश्वर, इसका हृदय परिवर्तन कर दे। नौजवान के दिल में सेवा की कितनी उमंग है, कौम के लिए कितना दर्द है, पीड़ितों से कितनी सहानुभूति है। अगर इसमें बूढ़ों की सी सूझबूझ, धीमी चाल और धैर्य होता तो ये देश की कितनी सेवा कर सकता। जो व्यक्ति अपने प्राण जैसी प्रिय वस्तु का बलिदान करने के लिए तत्पर हो, उसकी जलन और तड़प का कौन अंदाजा लगा सकता है? काश काश ये जोश, ये दर्द हिंसा के पंजों से निकल पाता तो जागरण की, काम की प्रगति कितनी तेज हो जाती। अरे तुम कब आ गई अम्मा? मुझे तो न जाने कब नींद आ गई। चारपाई के पास दिया रखकर ना सोया करो, इससे कभी कभी दुर्घटना हो जाया करती है। और
आधी रात हो गई, क्या पढ़ते ही रहोगे? आराम से सो जाओ, मैं भी यही लेट जाती हूँ। आज न जाने क्यों मुझे अंदर डर लगता है। मैं चारपाई ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं यही जमीन पर लेट जाती हूँ। वाह, मैं चारपाई पर लेटूं और तुम जमीन पर पड़ी रहो। तुम चारपाई पर आ जाओ। चल, मैं चारपाई पर लेटूं और तू जमीन पर पड़ा रहे, ये नहीं हो सकता। मैं चारपाई लिए आता हूँ, नहीं तो मैं भी चल के अंदर लेटता हूँ। तुम आज डरी क्यों? तुम्हारी बातों ने डरा दिया। तुम मुझे भी क्यों नहीं अपनी सभा में शरीक कर लेते? अम्मा, तुम हमारी सभा में शामिल हो जाओ तब तो कहना ही क्या। बेचारे कच्ची कच्ची रोटियां खा के बीमार हो रहे हैं, उन्हें अच्छा खाना मिलने लगेगा। और फिर कितनी ही ऐसी बातें हैं जिन्हें एक बुजुर्ग स्त्री जिस आसानी से कर सकती है, एक नौजवान हरगिज नहीं कर सकता। मसलन किसी मामले का सुराग लगाना, औरतों में हमारे विचारों का प्रचार करना। मगर तुम दिल लगी कर रही हो अम्मा। बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे बगल में रहूंगी, और अगर कोई ऐसा मौका आया तो तुमसे पहले अपने आप को कुर्बान कर दूंगी। मरते वक्त तुम मेरे सामने होगे, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी होगी। और ये मत समझना कि किसी नाजुक मौके पर मैं डर जाऊंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, हरगिज नहीं। सख्त से सख्त मौकों पर भी तुम मेरी जबान से एक चीख नहीं सुनोगे। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए गाय भी शेरनी बन जाती। सच? बस तो फिर ठीक है अम्मा, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। और मैंने रिवॉल्वर चलाना सीख लिया। मैं कभी कभी सोचती, पटाखे की आवाज सुनकर अपने कानों पर हाथ रखने वाली हिंसा और धर्म की देवी इतने साहस से रिवॉल्वर चलाती थी। और तो और, मेरा निशाना इतना अचूक होता था कि सभा के नौजवानों को भी हैरत होती थी। पुलिस के सबसे बड़े अफसर के नाम मौत का परवाना निकला, और ये काम धर्मवीर के सुपुर्द हुआ। क्यों बेटा, इस अफसर ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर सभा ने इसे क्यों चुना? तो तुम क्या समझती हो अम्मा, ये जो हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और सुपरिंटेंडेंट जो कुछ करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, वो जो भी अत्याचार करते हैं उनके लिए यही आदमी जिम्मेदार है। और फिर हमारे लिए तो इतना काफी है कि वो उस मशीनरी का एक खास पुर्जा है जो हमारे राष्ट्र को निर्दयता से बर्बाद कर रही है। इस लड़ाई में व्यक्तिगत बातों से कोई प्रयोजन नहीं, यहां तो विरोधी दल का सदस्य होना ही सबसे बड़ा अपराध है। बेटा, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज एक सवाल करती हूं, उसे पूरा करोगे? ये पूछने की भी कोई जरूरत है अम्मा? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? ये तो तुमने बेढप सवाल किया अम्मा, इसका नतीजा जानती हो क्या होगा? जिंदा ना लौट कर आऊंगा।
अगर यहां से कहीं भाग भी जाऊं तो भी जान न बचेगी। सभा के सभी सदस्य मेरी जान के प्यासे हो जाएंगे, मुझे उनकी गोलियों का सामना करना पड़ेगा। अम्मा, मुझे ये जीवन तुमने दिया है और इसे तुम्हारे चरणों पर अर्पित कर सकता हूं, लेकिन भारत माता ने तुम्हें और मुझे दोनों को जन्म दिया है और उसका हक सबसे बड़ा है। अम्मा, भगवान न करे अगर कभी ऐसा मौका हाथ आ जाए कि भारत माता की सेवा के लिए मुझे तुम्हें कत्ल करना पड़े, तो मैं इस अप्रिय कर्तव्य से मुंह ना मोड़ूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे और तलवार तुम्हारी गर्दन पे होगी। हमारे धर्म में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, इसलिए सभा को छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हां, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम ना आओ, मैं कोई बहाना कर दूंगा, किसी दूसरे कॉमरेड को अपने साथ ले लूंगा। इसलिए कहता हूं, अगर तुम्हारे दिल में कमजोरी आ गई है तो मुझे फौरन बतला दो। मैंने तुम्हारे ख्याल से कहा था, मुझे क्या डर। तो सुनो अम्मा, अंधेरी रात के पर्दे में इस काम को पूरा करने का फैसला किया गया है। कोप का पात्र जिस वक्त रात को क्लब से वापस लौटेगा, उसी वक्त उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया जाएगा। मैंने दोपहर के वक्त वहां जाकर उस जगह का अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। साहब के बंगले के सामने करील और करौंदे की एक छोटी सी झाड़ी है, छुपने की अच्छी जगह है, वहीं से निशाना बांधा जाएगा। झाड़ी की बाईं ओर नीची जमीन है जहां अमरूद और बेर के बाग हैं, भाग निकलने का अच्छा मौका रहेगा। जो दिन गुजर रहा था, मेरा दिल सूखता जा रहा था, लेकिन धर्मवीर के दैनंदिन आचरण में कोई अंतर न था। वो नियत समय पर उठा, नाश्ता किया, संध्या की, और अन्य दिनों की तरह कुछ देर पढ़ता रहा। चार मित्र आए, उनके साथ दो दिन बाजिया शतरंज खेली, इत्मीनान से खाना खाया और अन्य दिनों से थोड़ा अधिक, फिर आराम से जाकर सो गया, जैसे उसे कोई चिंता न थी। मेरा मन उचाट हो रहा था, खाने पीने का तो जिक्र ही क्या, मैं मन मारकर एक जगह बैठ भी ना सकती थी। पड़ोस की औरतें हमेशा की तरह आई, पर मैं किसी से कुछ ना बोली, बदहवासी यहां वहां दौड़ती फिरती थी, मानो चूहिया बिल्ली के डर से कोई सुराग ढूंढ रही हो। शाम होते होते मेरे हृदय पर शांति सी छा गई। चरम सीमा साहस है।
तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं तुम्हारे मन की तो नहीं, पर अपने मन की कहती हूं। मेरी हालत उस बालक के समान हो रही है जो दूर से भालू को देखकर खुश तो होता है, परंतु उसके पास आते ही चीख उठता है। क्यों रोती हो अम्मा? तुम क्यों रोते हो? बस यूं ही। चलो हम यहाँ से कहीं भाग चलते हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। हम एक बार यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देश के प्रति अपना प्रेम दिखाने के और भी कई रास्ते मिलेंगे। ये नहीं हो सकता अम्मा, कर्तव्य तो कर्तव्य है, उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। चाहे रो कर करो, चाहे हंस कर। हाँ, ये सोचकर जरूर डर लगता है कि नतीजा न जाने क्या हो, मुमकिन है कि निशाना चूक जाए, मैं गिरफ्तार हो जाऊं या उसकी गोली का शिकार हो जाऊं। खैर, जो हो सो हो, मर भी जाएंगे तो नाम छोड़ जाएंगे। अब तैयारी करना चाहिए अम्मा, तुम्हारा जीना चाहता हो तुम ना आओ, मैं अकेला चला जाऊंगा अम्मा। नहीं नहीं, मैं भी चल रही हूं। मां सुनो, आज मैंने अपनी डायरी में क्या लिखा है। रुखसत। ऐ दुनिया की दिलचस्पी हो रुखसत, ऐ जिंदगी की बहार हो रुखसत, ऐ मीठे जख्मों रुखसत। देश भाइयों, अपने इस आहत और अभागे सेवक के लिए भगवान से प्रार्थना करना। जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, इसका तजुर्बा हुआ। आह, वही दुख दर्द के नश्तर, वही हसरतें और मासूमियां जिन्होंने जिंदगी को कड़वा बना रखा था, इस समय जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। ये प्रभात की सुनहरी किरणों की वर्षा, ये शाम की रंगीन हवाएं, ये गली, ये कूचे, ये दरो दीवार फिर देखने को मिलेंगे। जिंदगी बंदिशों का नाम है, बंदिशें एक एक करके टूटती जा रही हैं, जिंदगी का शिराजा बिखरा जा रहा है। ऐ दिल की आजादी, आओ आओ, तुम्हें नाउम्मीदी की कब्र में दफन कर दूं। भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा देश फले फूले, लहलहाए,
कोई बात नहीं, हम क्या और हमारी हस्ती ही क्या, मगर गुलशन बुलबुलों से सूना ना रहेगा। मेरी अपने भाइयों से इतनी ही विनती है कि जिस समय आप आजादी के गीत गाएं, इस गरीब की भलाई के लिए दुआ करके उसे याद कर लें, उसे याद कर लें। बहुत बढ़िया बेटा, देशभक्ति बातों के साथ साथ हौसलों और इरादों में भी होनी चाहिए। तुमने तो आजादी का मतलब ही समझा दिया। आओ अम्मा, अपने मिशन पर चलें। अम्मा, साहब क्लब में जा रहा है। नहीं बेटा, ये तुमने क्या किया अम्मा? ऐसा सुनहरा मौका फिर हाथ में ना आएगा। मोटर में मेम भी थी, कहीं गोली उसे लग जाती तो। मेम थी तो क्या हुआ अम्मा? हमारे धर्म में नाग नागिन और सपोले में कोई अंतर नहीं। तुम्हारा धर्म जंगली जानवर और वैश्य दरिंदों का है, जो लड़ाई के बुनियादी उसूलों की भी परवाह नहीं करता। स्त्री हर धर्म में निर्दोष मानी गई है, यहाँ तक कि वैश्य भी उसका आदर करते हैं। वापसी के समय उसे हरगिज ना छोड़ूंगा। हाथ नहीं उठा सकते। मैं इस मामले में तुम्हारी पाबंदियों का गुलाम नहीं हो सकता। लो मां, साहब आ गया। अब की बार साहब अकेला है, तुम भी मेरे साथ निशाना लगाना। मां ने लपक कर धर्मवीर का हाथ पकड़ा ताकि वो उससे रिवॉल्वर छीन सके। धर्मवीर ने अपनी मां को धक्का दिया, मां गिरी। धर्मवीर ने निशाना साधा, इससे पहले कि गोली चलती मां सामने आ गई। गाड़ी जा चुकी थी और मां जमीन पर तड़प रही थी। अम्मा, 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 ये क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, ये क्या हो गया? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं अम्मा? इतना अंधेरा है, कुछ नजर भी तो नहीं आता। कहां गोली लगी अम्मा? अम्मा, ये क्या हो गया अम्मा? अम्मा, अम्मा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं अम्मा? अम्मा, कितना अंधेरा है, किसको बुलाऊं? कोई है भी तो नहीं अम्मा। अम्मा, 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 हिम्मत रखो अम्मा, 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 कुछ तो बोलो अम्मा। जन्म सफल हो गया बेटा, तुम्हारे हाथों मेरी मिट्टी उठेगी, तुम्हारी गोद में मर रही हूं। जो ही तुमने गोली चलाई, मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। अब और नहीं बोला जाता बेटा, परमात्मा तुम्हें खुश रखे। मेरी बस यही दुआ है, मैं
मां की आबरू अब तुम्हारे हाथ है। हे भगवान।